टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान के ऑफिस में और आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर उनकी जो बेटी है मर्जिया पठान वो मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि मर्जिया पठान जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ये महिलाएं और लड़कियों के बीच में ये ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं और जिस तरह से कॉरपोरेशन का चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे में इनके जो है उम्मीदवारी के कयास भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन हम उन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरह से सामाजिक कार्य में इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं ये और हाल ही फिलहाल में इनके द्वारा जो है एक कैंप का आयोजन किया गया था और उसमें सुकन्या योजना के तहत जो है तमाम जो 10 साल की उम्र की लड़कियां थी उनके लिए अकाउंट भी खोले गए थे। इस पर भी मुमरा शहर में तमाम तरह के चर्चे हो रहे थे कि जो कैंप लगाए गए इनके तरफ से कहा गया था कि उसमें जो पहली डिपॉजिट रहेगी वो इनके जो है एक संस्था है उस संस्था के तरफ से पहली डिपॉजिट जमा की जाएगी और कहीं ना कहीं ये बात जो है शहर में एक अलग तरह से चर्चा बनाई हुई थी कि सब एक तरह से कि ये सिर्फ दिखावा है, कैंप का कोई भी अकाउंट नहीं खोला जा रहा है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान की बेटी मर्जिया पठान। हम उन्हीं से सबसे पहले कैंप जो लगाया गया था और उसमें जो 10 साल की कम उम्र की लड़कियों की योजना के तहत अकाउंट खोलने की बात थी हम उस पर बात करेंगे। कितनी लड़कियों का जो है अकाउंट आपके उस कैंप में खोला गया था? 700 लोगों का खुला है, 500 लोगों को हमने फंड किया है और 200 वो बाद में आए थे बिकॉज हमने टॉप 500 को बोला था तो 500 के खुल गया और 200 लोगों का उन्होंने खुद किया तो 700 टोटल। ये पासबुक्स है, अभी पासबुक देखो, ये पूरी बंच के बंच है, 4 बंच है मेरे पास पासबुक का और ये लिस्ट है पूरी सुकन्या समृद्धि की, साथ में जितने लोग हैं उतने लिस्ट है। तो जो कैंप 10 दिन का था उसमें आधार कार्ड और सुकन्या दोनों का लगाया था हमने, जिसमें आधार कार्ड इन टोटल कुछ 1000 से 1200 के बीच में कुछ हुए हैं, उसकी भी लिस्ट है मेरे पास, उसकी भी लिस्ट है। तो जो अपडेशन और न्यू आधार कार्ड जो बने अब तक उन तक के काफ़ी लोग तक आधार कार्ड पहुँचे भी, हमको कॉल्स भी आए उधर से आए। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि कोई हवा में बात नहीं हुई थी और कोई फेक प्रोमिसज नहीं किए गए थे, जो है वो है इसमें पेड लिखा है पासबुक्स में। 250 रुपीज़ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हमने पे की थी और वो वैसे दिखा भी कुछ नहीं था, वो मेरा एक थॉट था कि मुझे चाहिए था कि भाई हम लड़कियों को एक पुश दें, फैमिली को काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसको लेके कि एक पुश मिलेगा उनको, एक इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे तो शायद वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू रखें, उनको समझ में आएगा कि अच्छी चीज़ है तो वो भी आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हमारे पास पासबुक है जिसका हम लोग फंक्शन भी करने वाले हैं जल्दी। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि आप काफ़ी एक्टिव थी लेकिन जो है वो खुले तौर पर नहीं थी, ना आपकी कोई फ़ोटो वायरल होती थी ना कोई वीडियो ऐसा वायरल होता था, आप खास तौर पर घर घर जाकर लड़कियों और महिलाओं से मिलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है आपके द्वारा आपके नाम से कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आप कहीं ना कहीं बाहर भी लोगों से मिल रही हैं, तो बात ये नहीं है, बात ऐसी है कि पहले जो था वो कोविड का भी पीरियड बीच में था अभी, तो जो भी मतलब लोगों के काम हैं जो मैं अब्बू जी के ज़रिए कर रही थी उनको, मतलब वार्ड में अब्बू जी आज विरोधी पक्ष नेता उनको थाने में बैठना रहता है तो वो यहाँ पे कोई शिकायत ना रह जाए कि मतलब लोगों के एवरीडे की जो कंप्लेंट्स है वो प्रॉपरली सॉल्व होते जाए, इसकी वजह से मैं जाती थी लोगों से मिलती थी और हर चीज़ का, एंड मैं नहीं चाहती थी कि कोई नया हल्ला हो जाए उस वक्त के मतलब अभी देखो ये आ रहे हैं तो आज आ रहे हैं तो लोग फिर ये भी बोलेंगे कि आज पहला दिन काम कर रही है फोटो जा रहा है तो हर तरफ से लोग कान पकड़ेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसकी वजह से पहले मैं चाहती थी कि मैं खुद सीखूं, सब कुछ देखूं, मुझे भी सब कुछ समझ में आना चाहिए कि क्या काम है क्या नहीं है, पहले कोई भी चीज़ को अपनाने से पहले उसको सीखना उसको समझना ज़रूरी होता है। ये भी माना जा रहा है कि चुनावी रेस में आप भी हैं, तो वो आई थिंक कि कुछ चीज़ों का जो जवाब है वो वक्त बेहतर दे सकता है तो मैं उसको वक्त पे और अपने बड़ों पे छोड़ूंगी। मतलब आप लड़ना चाहती हैं चुनाव? जी ऑफ कोर्स, अगर मेरे लोग चाहेंगे, अगर मेरे माय पीपल जो मेरे हैं वो मुझे चाहेंगे कि मेरे वार्ड के लोग जो जनता अगर वो चाहती है कि मैं लड़ूँ तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। अच्छा, आप लोगों के बीच में घूम रहे इतना तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अच्छा, लोग खुश है इस चीज़ से कि मतलब
उनको अच्छा लगता है कि एक लड़की उनको मिलती है जब बात करने के लिए, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है बात करने के टाइम पे कि मैं महिला हूँ, मेरे महिला स्टाफ है, तो उनको हैंडल करते टाइम उनको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं ओपनली उसके बारे में, तो वो काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव में अगर आप आए, क्या मुद्दा है आपका? अभी चुनाव को मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम है, हम इस चीज़ों पे चुनाव के टाइम पे जब कोई चीज़ें डेफिनेटली फाइनल होती है तो उस टाइम पे अगर हम इस पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, आप महिलाओं से मिलते हैं तो महिलाओं का खास तौर पर क्या ऐसा मुद्दा है अब तक जो मिले या बातचीत किए उसमें महिलाओं का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके सामने आया कि मुमरा शहर में वो हो नहीं रहा है और आप उसे करना चाहेंगे? देखिए कि ज़्यादातर तो महिला जो है वो अपने घरों को ही लेके परेशान रहती है कि उनके घर में कुछ इश्यूज़ चलते हैं, जैसे उनको जॉब्स का इश्यूज़ रहता है या उनके घर के पानी या जो भी थोड़ा बहुत रहता है, तो आई नो कुछ इश्यूज़ वैसे तो काफ़ी हद तक के पानी और ये सारी लाइट्स के इश्यूज़ हल हो चुके हैं, बट थोड़ा बहुत भी जो रहता है वो भी इंशाल्लाह विद टाइम ज़रूर हल होते जाएगा मुमरा में, तो यही। और बाकी तो आप थोड़ा सब्र रखें, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम ज़रूर बात करेंगे बाकी तो। अच्छा, आपके जो फादर हैं शानू पठान, चुनाव लड़ने को लेकर उनकी क्या रणनीति है? बातचीत के दौरान आपसे कुछ कहा कि हाँ हम आपको खड़ा करेंगे उम्मीदवारी में, कुछ हाँ नामे ऐसा जवाब वगैरह दिया? नहीं, अभी इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। तो आपने सुना जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान की बेटी हैं मरजिया पठान, आने वाले चुनाव को लेकर जो है उनसे हमने सवाल किया और उन्होंने उम्मीद जताई कि बहरहाल जो बड़ों का डिसीजन होगा वही उनका डिसीजन रहेगा, और अपने फादर से भी उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मुमरा शहर में ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो है मरजिया पठान उम्मीदवार के तौर पर देखी जाएंगी। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।